टीचर, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, जूरिस्ट और रॉयल एडवाइजर, ये सारी खूबियां और सारे स्किल्स थे आचार्य चाणक्य में। और वो चाणक्य ही थे जो किसी व्यक्ति का चेहरा देखकर यह बता देते थे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। और यही एक ऐसे मनुष्य भारत के इतिहास में रहे जिन्होंने अगर कोई प्लान भी बनाया तो उसके पीछे 100 बैकअप रखे, यानी हार का तो कोई डर ही नहीं, मतलब बुरी से बुरी कंडीशन में भी सेफ्टी का पूरा प्लान। चाणक्य नीति आज से 2400 साल पहले यूज होती थी, लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी भरे दुनिया में लाइक पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन बखूबी यूज कर रहे हैं अपने देश विदेश के संबंधों को ठीक करने के लिए। तो दोस्त, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं चाणक्य नीति से कुछ ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहली बात पर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। इट मीन्स इट डजंट मैटर कि आप कौन हैं, कौन से स्टेट से हैं, कौन से देश से हैं, या फिर किसी गांव या शहर से हैं। आपकी पढ़ाई भले ही कैसे भी स्कूल से रही हो, या फिर आपके रास्ते में कितने भी दुखों के पहाड़ क्यों ना आए हों, अगर आपके कार्य सही हैं, आप प्रतिदिन ऐसे कार्य करते हैं जो आपको एक सफल इंसान बनाने तक पहुंचाते हैं, तो आप महान हैं। क्योंकि जन्म यानी गॉड गिफ्टेड कुछ भी नहीं होता है। आपसे लगभग लोग ऐसा सोच रहे होंगे या उनके मन में ऐसा सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो लोग अंबानी जैसे घर में पैदा होते हैं वो तो गॉड गिफ्टेड ही हुए ना। मेरा आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। यह मान सकते हैं कि उनको कुछ ज्यादा हेल्प मिलती है, फॉर एग्जाम्पल अच्छा घर, अच्छी कार, स्टडी, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन पढ़ाई उनको खुद ही करनी पड़ती है। वो सारे काम वो लोग भी करते हैं जो कि हर एक आदमी इस प्लैनेट में एग्जिस्ट करता है, बट एक ही जगह वो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं अपने करियर को लेके, क्योंकि उनको अपने बाप दादा का बिजनेस चलाना है और उसे नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जाना है। इन लोगों का नाम मीडिया बहुत ही जल्दी खराब कर देती है, इसलिए इनको कोई भी गलती नहीं करनी होती है, वरना सारी मेहनत पानी में जा सकती है। ये लोग हमसे भी कम सोते हैं और हमसे भी ज्यादा काम करते हैं और ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा पॉजिटिव वाले सिनेरियो को ध्यान में रखते हैं, इसलिए हम लोगों को ज्यादा सीखने का मौका नहीं मिलता। दोनों की जिंदगी में कुछ अपने अपने बेनिफिट जरूर हैं और लॉस भी। सबसे अच्छी बात यह है हमारी लाइफ में हमें कुछ भी खोने का डर नहीं रहता। और आज के बाद ये कभी भी मत सोचो कि मैं जन्म से महान होता, और इस बात का अफसोस भी मत करो। जहाँ हो वहीं से स्टार्ट करो, स्टार्ट इम्प्रूविंग योर सेल्फ। अगली बात पे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत के दरवाजे खोल देती है। इट मीन्स अगर आप मेहनत करते रहो लगातार, तो किस्मत भी आपके आगे के दरवाजे खोलते रहेगी। याद करो अमिताभ, जिन्हें एफएम रेडियो से निकाला जा चुका था जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनकी आवाज बहुत भारी है। नवाज, जो तो एक एक्टर बनना चाहते थे लेकिन उन्हें गार्ड की जॉब भी करनी पड़ी, और फिर निरंतर प्रयास किया और आज वो जो कुछ भी हैं आपके सामने हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बिना हारे बिना थके प्रयास करते रहना है, परिश्रम करते रहना है। जैक मा, कर्नल सैंडर्स, माइकल जॉर्डन और थॉमस एडिसन, इन सब लोगों में एक ही कॉमन चीज है, बस परिश्रम करते रहो। सेम थिंग आपको भी अप्लाई करना है। अगली बात पर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है। अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भी अकेले झेलता है और नर्क या स्वर्ग में भी अकेले जाता है। जरा एग्जाम्पल लेके या फिर डीप में जाके सोचेंगे तो आपके पास हर टाइम हर दिन कोई न कोई साथ में होता है, वो फिर ऑफिस में हो या फिर स्कूल, ट्यूशन, इंटरव्यू, मॉर्निंग वॉक, जिम, या तो फिर आपके पूरे दिन बिताने के बारे में बात की जाए। तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो बहाने मत बनाओ कि मुझे ये नहीं आता, मैं नया हूँ, पहले कभी नहीं गया। ये जो आप हजारों एग्जाम्पल ना के लिए देते हैं, इसे आज से ही बंद करें, क्योंकि अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे तो अकेले ही बनोगे, और अगर आप जिंदगी भर अनसक्सेसफुल और पुअर बने रहना चाहते हो तो भी अकेले ही रहोगे, तो फिर ये साथ वाला बहाना ही क्यों। और ये बिल्कुल भी नहीं कि काश वो मेरे साथ होती तो मैं आज कहाँ होता, कहीं नहीं होते, आज यूं ही पड़े होते या फिर इससे भी बुरे हाल में होते। सो इतने सारे एग्जाम्पल काफी हैं। स्टार्ट डूइंग व्हाट यू वांट। अगली बात पे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस बात को कभी भी व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखें और दृढ़ रहे, क्योंकि अगर आप लोगों को बताएंगे कि आपको फ्यूचर में क्या करना है और आपके प्लान्स क्या हैं, तो लोग आपको डीमोटिवेट करके आपके रास्ते में अड़चन पैदा करेंगे और आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। अगर आप इन चीज़ों को गुप्त रखोगे तो आपको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं,
और आप अपनी ही अलग दुनिया में एक फ्लो में काम करते रहेंगे। और आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा है कि शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को भी प्राप्त कर देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान को अगर अपनी लाइफ में जो कुछ भी हासिल करना है तो वो केवल शिक्षा के आधार पर ही हो सकता है। मैं आपको एक स्कूल और एक कॉलेज वाली थ्योरेटिकल स्टडी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अगर आप एक क्रिकेटर या कोई एक्टर बनना चाहते हो तो आपको उस फील्ड में जिन्होंने सक्सेस हासिल करी है उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उन्होंने यह कैसे किया उनके बारे में सीखना चाहिए। रही बात खूबसूरती को प्राप्त करने की, तो यह बात 100% सही है, क्योंकि अगर आपको मैं एग्जांपल दूं शायद वो काफी वैल्यूएबल रहेगा। जैसे कि नवाज, इनके पास ना तो कोई अच्छी सिक्स पैक वाली बॉडी है और ना ही इनके पास कोई चमकती हुई गोरी सी शक्ल है, और ये आज उन लोगों में से भी बहुत आगे हैं जो फिल्मी बैकग्राउंड से हैं या फिर बहुत खूबसूरत दिखते हैं या अच्छे खासे बॉडी बिल्डर हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ एक्टर बनने के लिए एक्टिंग आनी बहुत जरूरी है ताकि लोग आपको पसंद करें। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता, आपने भारती का नाम तो सुना ही होगा जो बहुत ही फेमस कॉमेडियन है। ये रही दूसरी तरफ कैटरीना कैफ की बहन इजबेल कैफ। आपने कभी इसका नाम भी सुना था क्या पहले? आई एम श्योर नहीं सुना होगा। सो रिमेंबर, हार्ड वर्क बीट्स अ टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन सफल जरूर होंगे। अगली बात पे आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर किसी काम को शुरू कर लें तो असफलता का डर ना रखें और ना ही उस काम को छोड़ें। निष्ठा से काम करने वाले ही सबसे सुखी हैं। ये बात आज की यंग जनरेशन को बहुत ही जरूरी समझनी चाहिए, क्योंकि यंग जनरेशन में बहुत ही जल्दी सफलता चाहिए और किसी काम को फोकस भी नहीं कर पाते हैं। वो उतनी ही तेजी से काम को स्टार्ट करते हैं और उतनी ही तेजी से छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको रिजेक्शन का खतरा भी बहुत सताता है। फिर कहते हैं कॉम्पिटिशन ज्यादा है, जॉब नहीं है, तरह तरह की चीजें। आज इंटरनेट पर हर दिन लाखों की संख्या में जॉब्स निकलती हैं, फिर भी इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? मेहनत कोई भी नहीं करना चाहता, सब आसानी से काम हो जाए इसी आशा में टाइम पास कर रहे हैं। अगर आपको सफल होना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो आपको आचार्य चाणक्य की इन बातों पर अमल करना चाहिए। अगली बात पे आचार्य चाणक्य कहते हैं, संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके केवल दो ही फल हैं जो अमृत जैसे मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। यानी आचार्य हमें यह चंद शब्दों में यह सिखाना चाहते हैं कि कभी भी किसी से बुरा मत बोलो, हमेशा मीठा बोलो, और जिंदगी में हमेशा उन्नति करोगे। और खुश रहना चाहते हो तो सज्जनों की संगति करो, ये दो काम आपको महान बना सकते हैं। मीठी वाणी बोलने से आपके साथ लोगों का व्यवहार अच्छा रहेगा, वो आपको अच्छा मानेंगे तथा आपकी सहायता भी करेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। और सज्जन आपको अच्छी बातें सिखाएंगे, एक सफल व्यक्ति और सच्चा आदमी कैसे बनना है यह आपको उन लोगों के बीच रहने से ही पता लगेगा। अगली बात का आचार्य चाणक्य ने विद्यार्थियों के लिए कहा है, इसी के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। प्राचीन काल में एक गुरु ने अपने शिष्यों को विद्या ग्रहण करवाने के बाद में परीक्षा लेने के लिए सोचा। फिर अपने तीनों शिष्यों को एक दिन कुटिया पर बुलाया और रात को गुरुजी ने कुटिया तक आने वाले रास्ते में बहुत सारे कांटे बिछा दिए। अगले दिन जब उनके छात्र कुटिया की ओर निकल पड़े तो ये क्या, सारे रास्ते में कांटे ही कांटे। तब उनमें से एक शिष्य को पता चल गया कि गुरुजी उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं, इसीलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने पैरों को बिना घबराए कांटों के ऊपर रखते गया और अपने खून से लथपथ पैरों को लेकर गुरुजी के आश्रम तक पहुंच गया। अब बात है दूसरे वाले की। दूसरे वाले ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई और अपने आप को किसी तरह बचते बचाते गुरुजी की कुटिया तक पहुंचा दिया। उसके पैर को चंद ही कांटे छू पाए थे। अब अगली बात आती है तीसरे वाले की। तीसरा वाला स्टूडेंट धीरे धीरे सारे कांटों को साफ करते करते गुरुजी की कुटिया तक पहुंच गया। अब तीनों छात्र गुरुजी के सामने। अब दोस्तों इसमें से केवल एक ही छात्र पास हुआ था। अब आपको ये वीडियो यहीं पे पॉज करना है और कमेंट करके बताना है कि वो कौन सा छात्र था जो पास हुआ। तो आपका आंसर क्या था, चलिए जानते हैं। दोस्तों वो तीसरा वाला छात्र था जिसने गुरुजी की विद्या को अच्छे से ग्रहण करा था, जिसने कांटे साफ करे थे। और गुरुजी ने बोला, तुम ही मेरे वो छात्र हो जिसने मेरी द्वारा दी गई विद्या को बहुत अच्छे से ग्रहण किया है, उसको अपने ऊपर उतारा है। गुरुजी ने कहा, जो रास्ता आपने साफ किया है वो केवल आपने अपने लिए नहीं किया है,
या आने वाले मुसाफिरों के लिए भी काफी अच्छा साबित होगा। इट मीन्स अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपके आने वाले पीढ़ियों तक बहुत ज्यादा फायदा होता है। और गुरुजी ने साथ में ये भी कहा, मैंने जो ज्ञान तुम्हें दिया था तुमने उसे अपने व्यवहार में उतारा। दोस्तों आचार्य चाणक्य भी यही कहते हैं, केवल पुस्तकों से ली गई विद्या और दूसरों के पास से अर्जित किया गया धन व्यक्ति के किसी काम नहीं आता। ऐसी विद्या या धन का होना कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों किताबों को केवल रटने से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है और आपने अपनी लाइफ में या अपने व्यवहार में इस विद्या को नहीं उतारा तो आपको सफलता तक पहुंचने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब जान लेते हैं कि आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। नंबर 1, इंसान अपने कर्मों से महान होता है ना कि अपने जन्म से। परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत के दरवाजे खोल देती है। नंबर 3, व्यक्ति अपने कर्मों का फल खुद ही झेलता है। नंबर 4, अपने फ्यूचर प्लान किसी को भी न बताएं। नंबर 5, शिक्षा ही वो चीज है जिसके आधार पर आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। नंबर 6, किसी भी काम को शुरू करने के बाद असफलता का डर ना रखें और उस काम को पूरी निष्ठा से करें। नंबर 7, मधुर वाणी बोलें और सज्जनों की संगति करें। नंबर 8, केवल किताबों को रटने से कुछ भी नहीं होगा, आपको उसे रियल लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ यार, आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं। देखो यार, वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। प्लीज इस वीडियोस को शेयर करके हमारी मेहनत हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। और प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर द डे। यू हैव अ ग्रेट डे। बाय फॉर नाउ।